चाचा नमस्कार। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। क्या नाम है होगा आपका? हमारा नाम धरवरन राम है। अच्छा, कितने साल से चलाते हैं पान की दुकान? करीब करीब 1500 वर्ष हो गए। 1500 यहीं पे? जी यहीं यहीं कराने वाले। रोजी रोटी चल जाती है? ठीक ठाक। अरे साहब, इससे क्या रोटी रोटी चलेगी, किसी तरह जीवन चल रहा है। बीत रहा है। आज आपके यहाँ एक खबर सुने होंगे, मुख्तार अंसारी के हार्ट अटैक से निधन हो गई। आप लोग क्या सोच रहे हैं, आपके गांव के लोग क्या सोच रहे हैं और क्या माहौल है इस समय गांव में? देखिए, उनके बारे में बहुत से बातें आ रही है। हाँ। समझ से कि उनको जहर दिया गया था खाने में, इससे उनके बड़े भाई ने आरोप लगाया। हाँ, अफजाल अंसारी ने। हाँ। उनसे जब मुलाकात हुई तो बताए हैं। हाँ। कि हमको जहर दिया गया है जी। हाँ, तो इसी पर वो मांग कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी का नाम आता है चाचा, तो बड़े सारे आरोप आते हैं। मुख्तार अंसारी किसी के लिए माफिया, किसी के लिए मसीहा, किसी के लिए सरगना। आप लोग क्या मानते हैं मुख्तार अंसारी को? भाई, गरीब आदमी, हम लोग गरीबों का मसीहा मानते हैं। हम लोग की मदद करते हैं बेचारे। क्या मुख्तार अंसारी सही में गरीबों के मसीहा थे? गरीबों के मसीहा हैं। आते लग गरीबों को कोई सताए नहीं, न किसी को मारे नहीं। अच्छा, गरीबों को नहीं सताए? नहीं। अच्छा, कुछ मदद करते थे आप लोग की? जरूर आते थे। जो लोग जाते थे उनके फाटक में, शादी सीधा ब्याह शादी पड़ जाता था, तो जरूर 10,000-20,000 करते थे। अच्छा, मदद भी करते? मदद करते थे, पैसा वैसा देते थे। अच्छा, तो एक तरफ ताकि उनके ऊपर 60,000। हम लोग के यहाँ ये अम्बेडकर पार्क देख रहे हैं आप? जी जी जी। तो आए थे बेचारे, यहाँ इनका प्रोग्राम लगा था परसोपुर में। अच्छा, तो हमारे भाई उस समय प्रधान नहीं था। अच्छा, तो उनको अपने गाड़ी में बैठाए, कहे कि बाबा साहब आप लोगों को नहीं है, हम सबका बाबा साहब है। बिल्कुल। उन्होंने साथ में बैठा कर लेकर जाकर एक टाली ईंटा गिरवाए, दो छड़ दिलवाए 5 क्विंटल। अच्छा। इसके बाद बालू गिरवाए, बाबा साहब कहे कि बनवा दीजिए, हम सब आपके साथ। अच्छा, तो हम लोग को मदद करते थे। मदद करते। हाँ। अच्छा, तो मुख्तार अंसारी को आप लोग किस नज़र में देखते हैं, मसीहा के रूप में कि माफिया के रूप में? हम लोग तो भाई मसीहा करते हैं। मसीहा करते, गरीबों को मसीहा, कि इसलिए कि गरीबों को सताए नहीं। सताए नहीं। अब जिनको सताए होंगे भले उनको माफिया लगते होंगे, लेकिन हम लोग की नज़र में आप लोग नहीं, हम लोग कोई क्षति नहीं किए, तो कैसे हम लोग। अब गांव में जब आप लोग कल रात में खबर सुने कि मुख्तार अंसारी की मौत हो गई, तो गांव में क्या माहौल, गांव के लोग क्या सोच रहे हैं इस पे? अरे भाई, तो सभी लोग कहे कि तो इन लोगों की साजिश थी, सरकार की साजिश थी उनको मारने की। अच्छा। इसलिए सरकार उनको मरवाना चाहती थी दो बार, एक बार 40 दिन पहले जो है उनको जहर दिया गया था। तो हाँ, सभी लोग बता रहे थे कि भाई इनको किसी दिन लोग मार डालेंगे, यही माहौल चल रहा था। उनके भाई ने आरोप भी आरोप लगाए थे। आपका क्या नाम है दादा? ननकुन राम। मुख्तार अंसारी को कितना समझते हैं? मुख्तार अंसारी माफिया की मसीहा? मसीहा साहब। मसीहा। क्या मसीहा वाला क्या काम किए हैं? मसीहा वाला गरीब आदमी गोयल 2,000-10,000 मदद केहू शादी ब्याह में जात रहा दे दिया। मदद करते थे जी। सताते भी थे लोगों को? के के? मुख्तार अंसारी क्या आम लोगों को सताते थे क्या? हमन के? हाँ, नहीं सताते थे। मतलब मुख्तार अंसारी से आम आदमी नॉर्मल तरीके से मिल लेता था? खूब आराम से। हाँ? मिल लेता था, और मिलता था तो उसकी मदद होती थी जी। अच्छा, और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। चाचा जी, क्या नाम है आपका? प्रभु दयाल। अच्छा, मुख्तार अंसारी की मौत की खबर आप सब लोग सुन लिए होंगे। क्या सोच रहे हैं इसके बाद आप लोग? भाई, हमारे क्षेत्र के गांव के एक अच्छे लोग, परिवार के लोग हैं, जो से बहुत बड़ा परिवार। आप किस नज़र में देखते हैं मुख्तार अंसारी को? मुख्तार अंसारी माफिया की मसीहा? ना 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 ना, हम लोग क्यों कहेंगे माफिया? हम लोग तो माफिया क्या होता है पता नहीं है। पता नहीं, ये जानते हैं कि हमारे पड़ोसी है, दुख सुख में काम आना, मददगार है। मददगार गांव क्षेत्र किसी पर के जाओ। किस प्रकार की मदद करते थे जब? कैसे भी, जो भी जरूरत लो, तो ये नहीं है कि किसी नेता मंत्री के घर जाना, डायरेक्ट चलो ये पहुँचाए कौन है कहाँ से। अच्छा, बैठ जाओ। अच्छा, मतलब क्या बात है बेटे, यहाँ आस पास में कोई समस्या होती थी लोग? हाँ हाँ, कोई भी जाते थे, कोई गांव के आम कोई। अच्छा। जाओ फाटक में अपना उनकी मदद भी करते थे कोई? अच्छा, चाचा पेपर पढ़ रहे हैं। चाचा, क्या हाल चाल है? ठीक हो भैया। मुख्तार अंसारी का खबर आप पेपर में पढ़ भी रहे होंगे, सारी बातें जान भी गए होंगे। मुख्तार अंसारी माफिया की मसीहा? मसीहा भैया, मसीहा। क्या काम किए मसीहा वाला? ब्याह शादी में आदमी की हेल्प करते हैं, बिटिया की शादी में, गरीबों की शादी में हेल्प करते, चाहे मंदिर में भी हेल्प करते थे। अच्छा, किस प्रकार की हेल्प करते थे?
बालू गिट्टी सीमेंट यही सब देते थे। अच्छा, कोई मंदिर वंदिर बनता या फिर कोई भी मतलब सामाजिक काम होता था उस पे जो है। अच्छा, अब जो है गांव के लोग क्या सोच रहे हैं, जब मुख्तार अंसारी की कल रात में जो है दिल का दौरा पड़ने से मौत हो जाता है, वहीं उनके बड़े भाई आरोप लगाते हैं कि स्लो पॉइजन जहर दिया जा रहा है, अब गांव के लोग गांव के बुजुर्ग आप लोग क्या सोच रहे हैं इस पे? वैसा मसीह के रूप में समझ लो, मसीह के रूप में। अच्छा, कुछ और भी लोग हैं इनसे बात करेंगे, आप लोग बात करेंगे आपसे? अच्छा, तो हाँ थोड़ा ध्यान दें। एक भाई साहब आए, इनसे हम बात करेंगे, क्या हाल चाल है भाई साहब? मुख्तार अंसारी माफिया की मसीहा? मसीहा थे। मसीहा क्या काम किए, मसीहा वाला क्या काम किया? काम गरीबों को बहुत कुछ दिए हैं। मदद करते थे? जी हाँ। किस प्रकार की मदद करते थे? आर्थिक, जैसे जो गरीब है ज्यादातर शादी ब्याह पड़ गया अपना घर का मान लीजिए, उसको मैटर बताता था, उनको मिलता था जो भी उनके अनुदान में आ जाता, सहयोग करते थे। जी हाँ। जब आप लोग सुने कि मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो आप लोग को कैसा लगा, क्या लगा? दुखद घटना टाइप का महसूस हुआ। जी हाँ। अच्छा, मुख्तार अंसारी जब जेल के पहले जब वो एमएलए थे तो आते थे इन क्षेत्रों में? जी हाँ, आते थे घूमते थे, मिलते थे लोगों से मिलते थे। अच्छा, कोई बुलाता था मान लीजिए निमंत्रण में भी आ जाते थे। अच्छा, तो मुख्तार अंसारी पे माफिया की एक जो छवि लगती है, आखिर तमाम लोग से हमने बात किया है तो सब लोग कह रहे हैं मुख्तार अंसारी मसीहा, तो माफिया कैसे? माफिया उनको भाई कृष्णानंद के बाद माफिया घोषित कर दिया गया, जब उन कृष्णानंद विधायक 60 से ज़्यादा मुकदमे मऊ में कांड हुआ, तमाम लोग की जाने गई, कई हत्या का आरोप लगा, कई में सिद्ध हो गया, भैया ज़्यादा हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं है। अच्छा अच्छा, आप लोग यह मानते हैं कि मुख्तार अंसारी जो है जो आम जनता की मदद करते थे? क्या नाम है आपका? अरुण गुप्ता। ये अरुण गुप्ता है, तो तमाम लोगों से हम बात कर रहे हैं और चट्टी चौराहे पे के लोग हैं, गांव के लोग हैं, बगल के गांव के लोग हैं। दादा क्या हाल चाल है? भैया ठीक है, चाय पिए हैं? हाँ। खबर सुने होंगे मुख्तार अंसारी अब नहीं रहे दुनिया में? ना। हाँ? सुने हैं कि नहीं? हाँ है। मुख्तार अंसारी को जानते हैं? हाँ भैया, रहिले बाहर। अच्छा, बाहर रह ला? हाँ, हम का जानते हैं। आप मुख्तार अंसारी को जानते हैं दादा? हाँ साहब जानते हैं। मुख्तार अंसारी माफिया की मसीहा? हमारी का मसीहा रहा, दूसरा का माफिया रहा। अच्छा, दूसरे के माफिया रह लोग हैं आप लोग खातिर मसीहारन। क्या मदद करते थे लोगों की? हाँ जरूर, शादी विवाह पर इस प्रकार की मदद करते थे? शादी विवाह पर तो 10,000, 5,000, 2,000, 5,000 जो से पड़े तो नहीं दाम, झगड़ा झंझट दूसरा से रोके तो आप लोग करो। अच्छा। तो ये कुल हो, झगड़ा झंझट रोके तो आप? हाँ हाँ, मतलब निचले स्तर के लोग सहयोग करते थे, सहयोग करते थे, कभी कोई जाता था कोई मामले को लेकर तो उसमें जो है सपोर्ट करते थे। कौन चौराहा है? डीहावा चट्टी। हवा चट्टी है ये। दादा ठीक है हालचाल? ठीक। मुख्तार अंसारी को जानते हैं? हाँ। मुख्तार अंसारी माफिया की मसीहा? माफिया थे, बहुत बढ़िया आदमी थे। बढ़िया आदमी थे, गरीबों का सहारा करते थे। गरीबों का सहारा थे, गरीबों की मदद करते थे। किस प्रकार की मदद करते थे? कोई ना चीज जैसे झगड़ा झंडा भाई हमें शादी ब्याह में अनुदान करते। अच्छा अच्छा, मदद करते थे। ओके, तो ये डीहवा चट्टी है, जिला गाजीपुर, मुख्तार अंसारी के बगल का गांव है। एक चाचा जी की पान की दुकान है, 14-15 साल से पान की दुकान चलाते हैं। तमाम गांव के बुजुर्ग लोग बैठ के पेपर पढ़ रहे थे। बगल का गांव है और पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह पे चौक चौराहे पे यह चर्चा का विषय बना है, मुख्तार अंसारी का मौत। और मौत के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू किया गया है, सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर देखते। हम लोगों से बातचीत कर रहे थे, जानने और समझने की कोशिश कर रहे थे कि मुख्तार अंसारी पे जो आरोप लगता है कि मुख्तार अंसारी माफिया है, और बहुत सारे लोग कहते हैं मुख्तार अंसारी मसीहा है, तो ये हम समझने की कोशिश कर रहे थे मुख्तार अंसारी माफिया या कि मसीहा।